Hello students, good morning to all. This video lecture is about the respiratory system of Unio. रेस्पायरेटरी सिस्टम ऑफ यूनियो में हम देखेंगे कि लैमेली डेंस यूनियो जो है ये आपके लैमेली ब्रैंक्स को बिलोंग करता है. इसमें बाइवेल्व्स होते हैं जिसमें कि दो शेल्स प्रेजेंट होते हैं और दोनों शेल्स जो हैं मतलब शेल जो है वो दो पार्ट्स में डिवाइडेड होता है, इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, बाइवेल्व्स कहते हैं या लैमेली डेंस भी कहते हैं. तो लैमेली डेंस इज एन एक्वेटिक एनिमल, हैंस इट रेस्पायर बाय द ऑक्सीजन डिसॉल्व्ड इन वाटर. ये कैसे होते हैं, आपके एक्वेटिक एनिमल होते हैं, फ्रेश वाटर एनिमल होते हैं, तो जो फ्रेश वाटर बॉडीज होती है वहाँ पे ये प्रेजेंट रहते हैं. तो वाटर में प्रेजेंट होने की वजह से इनमें कैसा होता है, एक्वेटिक मोड ऑफ रेस्पिरेशन होता है. और इस रेस्पिरेशन के लिए जो ऑर्गेनल्स ऑर्गन्स होते हैं वो क्या होते हैं, इनके गिल्स होते हैं. अगर हम पायला से कंपेयर करते हैं तो पायला में एम्फीबियस लाइफ होती है, इसलिए वहाँ पे गिल्स भी प्रेजेंट होते हैं इन ब्रेंकियल चैम्बर. इसके अलावा पल्मोनरी सैक प्रेजेंट होता है जिसमें कि पल्मोनरी चैम्बर्स प्रेजेंट होते हैं. यहाँ पे टोटली एक्वेटिक मोड ऑफ रेस्पिरेशन प्रेजेंट होता है. मोड ऑफ रेस्पिरेशन इज एक्वेटिक एक्सक्लूसिवली. सो फॉर परफॉर्मिंग दिस लाइफ एक्टिविटी लैमेलिडेंस पजेस ए पेयर ऑफ टीनिडिया और गिल्स. मेंटल ऑल्सो हेल्प्स इन दिस एक्टिविटी. द गिल्स ऑफ लैमेलिडेंस आर इनफैक्ट सपोज टू बी हाईली मॉडिफाइड एंड स्पेशलाइज डेरिवेटिव ऑफ इज मेंटल. तो गिल्स कैसे होते हैं, हाईली स्पेशलाइज डेरिवेटिव होते हैं मेंटल के, ठीक है. टीनिडिया, टीनिडिया जो है इन्हें हम गिल्स भी कहते हैं. देर आर ए सिंगल पेयर ऑफ इलोंगेटेड टीनिडिया और गिल्स, ईच वन ऑन ईच साइड ऑफ द फुट एंड आर यू लैमेली ब्रैंक टाइप के होते हैं. तो दो गिल्स प्रेजेंट होते हैं, दोनों अलग अलग साइड में प्रेजेंट होते हैं एंड ऑन ईच साइड ऑफ द फुट यू लैमेली ब्रैंक टाइप के गिल्स इसमें प्रेजेंट होते हैं. लार्ज मेंटल कैविटी प्रेजेंट होती है, हैज मेड इट पॉसिबल फॉर द ग्रेट लेंथ ऑफ टीनिडिया विच लाइज लिटरली. मेंटल कैविटी जो होती है वो इनकी काफ़ी बड़ी होती है जिसमें कि गिल्स प्रेजेंट होते हैं और गिल्स अच्छे से एकोमोडेट भी हो सकते हैं. ईच टीनिडिया अपीयर्स डबल बट इट्स मेड अप ऑफ टू गिल प्लेट्स और डेमी ब्रैंक. तो गिल्स कैसे होते हैं, दो प्लेट्स के बने होते हैं, ठीक है. हर एक गिल जो है वो दो पार्ट्स में डिवाइड रहता है और जिन्हें हम कहते हैं लैमिना. और हर एक लैमिना जो है वो आपके दो लैमिलीज में डिवाइड रहता है, आउटर गिल लैमिला एंड इनर गिल लैमिला. आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि हर एक गिल जो है उसमें डेमी ब्रैंक है, यानी दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, तो वो हर एक जो पार्ट है उसका क्या कहला रहा है, डेमी ब्रैंक कहला रहा है. एंड दो डेमी ब्रैंक जो है वो मिल करके आपके एक होलो ब्रैंक का फॉर्मेशन करते हैं. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आउटर गिल लैमेला एंड इनर गिल लैमेला, और हर एक गिल लैमिना जो है वो दो गिल लैमिली में डिवाइडेड रहता है. जब हम इसका डायग्राम देखेंगे तो हम इसको समझ पाएंगे. टीनिडिया डिवाइड्स द मेंटल कैविटी ऑन ईच साइड इनटू द लार्ज वेंट्रल इनहेलेंट चैम्बर और इंफ्राब्रैंकियल चैम्बर एंड ए स्मॉल डॉर्सल एक्सहेलेंट चैम्बर और सुप्राब्रैंकियल चैम्बर. तो टीनिडिया जो है उसमें इनहेलेंट चैम्बर और एक्सहेलेंट चैम्बर्स प्रेजेंट होते हैं, या हम कहें कि इंफ्राब्रैंकियल चैम्बर और सुप्राब्रैंकियल चैम्बर्स प्रेजेंट होते हैं. Each gill plate or lamina is formed of two similar flaps or lamellae joined by to each other except dorsally. Thus, two lamellae of a gill plate forms a narrow but long base. The lamellae are made up of a number of vertically parallel gill filaments or branchial filaments. So, gills jo hai usme kya hote hain, gill filaments present hote hain. And the gill filaments are elongated. They passes downward and then they reflected upward like V. So, inka jab hum structure dekhenge to ye kaise appear hote hain, V shaped structures mein present hoti hain. So that each gill filament form a descending and ascending limbs. तो हर एक गिल फिलामेंट की आप स्ट्रक्चर कैसी होती है, वी शेप की होती है. वी शेप में एक एक्स्ट्रा एक जो है वो असेंडिंग लिम्ब कहलाती है और दूसरी जो है डिसेंडिंग लिम्ब कहलाती है. एडजेसेंट गिल फिलामेंट्स आर जॉइंड बाय द फ्यूजन ऑफ टिश्यू फॉर्मिंग इंटर फिलामेंटल जंक्शंस. Thus, the gill filament and interfilamental junctions form the two lamellae of a gill plate in the interfilamental junctions. So, दोनों gill filaments जो हैं उनके बीच में interfilamental junctions present होते हैं. यहाँ पे आप ये डायग्राम देख सकते हैं, इंटर लैमिलर जंक्शंस आपको दिखाई दे रहे हैं, ठीक है. हर एक gill filament आपको दिखाई दे रहा है. Gill filament जो है वो V shape के structure में present होते हैं. यहाँ पे आप इसको देख सकते हो कि ये आपका एक होलो ब्रैंक है, ठीक है. हर एक जो ब्रैंक है वो दो पार्ट्स में डिवाइडेड है.
तो इसे हम क्या कहते हैं, डेमी ब्रैंक कहते हैं। ये आपकी मेंटल कैविटी है, मेंटल कैविटी में आपके दो गिल्स दिखाई दे रहे हैं आपको, तो ये दोनों होलो ब्रैंक है और हर एक गिल जो है वो दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, तो ये जो कंप्लीट है ये आपका क्या कहला रहा है, दो डेमी ब्रैंक्स में फॉर्म में प्रेजेंट होता है। यानी ये जो है डेमी ब्रैंक कह सकते हैं, या आप इसको लैमिना भी कह सकते हैं, और हर एक लैमिना जो है वो दो लैमिलीज में डिवाइडेड है, आउटर लैमिला और इनर लैमिला। यानी हम अगर बाहर वाले को देखते हैं, बाहर वाला हम गिल लैमिला देखते हैं, तो उसमें आउटर लैमिला ऑफ आउटर लैमिना और आउटर गिल प्लेट एंड इनर लैमिला ऑफ इनर गिल प्लेट, इस तरह से हम इसको डिस्क्राइब कर सकते हैं। गिल फिलामेंट्स अपियर एज ए वर्टिकल लाइन्स एंड देयर इंटर फिलामेंटर जंक्शंस अपियर एज हॉरिजॉन्टल स्टेरेशन ऑन अ लैमेली। द गिल फिलामेंट आर कवर्ड विद वेरियस काइंड ऑफ सीलिया एंड ईच गिल फिलामेंट इज सपोर्टेड बाय द टू काइटिनस रोड्स। ऑन द साइड ऑफ फिलामेंट्स आर लेटरल सीलिया। ऑन द डिस्टल सर्फेस विच फर्स्ट एनकाउंटर्स द इनहेलेंट करंट आर फ्रंटल सीलिया बॉर्डरिंग द फ्रंटल सीलिया। अगर हम गिल फिलामेंट की स्ट्रक्चर देखते हैं तो आप यहाँ पे देख सकते हो इसमें लेटरो फ्रंटल सीलियाज प्रेजेंट है, फ्रंटल सीलियाज प्रेजेंट है एंड लेटरल सीलियाज प्रेजेंट है। तो तीन तरह के सीलियाज प्रेजेंट होते हैं, तो जो भी गिल्स होते हैं, जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं, उनमें फिलामेंट्स प्रेजेंट होते ही हैं, क्योंकि फिलामेंट्स क्या करते हैं, यहाँ पे वाटर करंट को मेंटेन करने का काम करते हैं। तो जैसे ही वाटर करंट मेंटेन होती है, वाटर अंदर की तरफ जाता है, उसके साथ ही उसमें एसोसिएटेड फूड और ऑक्सीजन, जो भी गैसेज एक्सचेंज होता है वो भी इसी वाटर करंट से होता है, जो भी फूड की भी करंट यही होती है। बिटवीन द टू लैमिले गिल प्लेट इज प्लेट स्पेस डिवाइडेड बाय द वर्टिकल बार्स ऑफ द वेस्कुलर टिश्यू फॉर्मिंग द इंटर लैमिलर जंक्शंस विच कंटेन ब्लड वेसल्स। तो यहाँ पे क्या होता है, ब्लड वेसल्स भी प्रेजेंट होती है, जहाँ से कि आपका गैसेज एक्सचेंज पॉसिबल होता है, क्योंकि जो भी आपके वेस्कुलर सिस्टम्स होते हैं वहाँ पे आपको जहाँ पे भी रेस्पिरेशन होता है वहाँ पे क्या होता है कि ब्लड वेस्कुलर सिस्टम या गैसेज एक्सचेंज जो है उसके लिए ब्लड का होना जरूरी है। तो वो कैसे तरह से होता है, हाईली वेस्कुलराइज स्ट्रक्चर होती है। इंटर लैमिनर जंक्शन बिटवीन द टू लैमिली डिवाइड द स्पेस इंटू डिस्टिंक्ट कंपार्टमेंट कॉल्ड वाटर ट्यूब विच आर क्लोज ऑल राउंड एक्सेप्ट डॉर्सली। तो इंटर लैमिलर जंक्शन जो है उसमें क्या होते हैं, वाटर ट्यूब्स प्रेजेंट होती हैं, जो कि ऑल राउंड क्लोज होती हैं। वे आर द ओपन इन टू अ सुप्रा ब्रेंकियल चैम्बर ऑफ द मेंटल कैविटी। ठीक है, तो ये यहाँ पे किस तरह से होते हैं, सुप्रा ब्रेंकियल कैविटी से ओपन होते हैं। वेंट्रल फूड ग्रूव्स लॉन्गिट्यूडनली एट द लोअर एज ऑफ ईच लिल गिल प्लेट। देर आर ऑल्सो टू डॉर्सल फूड ग्रूव ऑन ईच साइड एट द बेस ऑफ टीनिडियम, वन बिटवीन द मेंटल एंड द आउटर लैमिली ऑफ द आउटर गिल प्लेट एंड अनादर बिटवीन द इनर लैमिली ऑफ आउटर गिल प्लेट। तो गिल प्लेट्स दो हैं और हर एक गिल प्लेट दो लैमिलीज में डिवाइडेड है, आउटर लैमिली एंड इनर लैमिली। तो हम इस तरह से कह सकते हैं कि इनर गिल प्लेट की आउटर लैमिली और आउटर गिल प्लेट की इनर लैमिली के बीच में एक एक्सेस होती है, और उस एक्सेस से दोनों गिल लैमिलीज जो होती हैं ये कनेक्टेड रहती हैं। आप यहाँ पे देख सकते हो, एक हम इमेजिनरी एक्सेस की अगर हम देखते हैं, तो एक इमेजिनरी एक्सेस से आपके इनर लैमिली ऑफ आउटर गिल प्लेट एंड आउटर गिल लैमिली ऑफ इनर गिल प्लेट जो होती है ये एसोसिएटेड रहती है। अटैचमेंट किस तरह से है, डॉर्सल अटैचमेंट ऑफ द गिल फिलामेंट शोज दैट द आउटर लैमिली ऑफ द आउटर गिल प्लेट इज अटैच टू द मेंटल, द इनर लैमिली ऑफ द आउटर गिल प्लेट एंड आउटर लैमिली ऑफ द इनर गिल प्लेट्स आर जॉइंट टुगेदर टू द विसरल मास। द इनर लैमिली ऑफ द इनर गिल प्लेट इज अटैच टू द विसरल मास इंटीरियरली बट फर्दर बैक इट्स फ्री। आप इसका देख सकते हो कि जो बैक होता है वो फ्री रहता है और इंफ्रा ब्रिंकियल चैम्बर कैविटी जो होती है उसमें ओपन होता है, सो दैट द इनर लैमिली ऑफ द इनर गिल प्लेट आर यूनाइटेड विद वन अनादर। ब्लड सप्लाई ऑफ टीनिडिया, द टीनिडिया आर सप्लाइड बाय द एफरेंट ब्रेंकियल वेसल्स कैरिंग द डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द किडनी एंड डिवाइड्स टू गिव राइज द ब्रांचेस इनटू द इंटर लैमिलर जंक्शंस। दीज ब्रांचेस ऑल यूनाइट टू ओपन इनटू द डिफरेंट ब्रेंकियल वेसल्स। इनफैक्ट ड्यूरिंग द फ्लो ऑफ ब्लड फ्रॉम द ब्रांचेस ऑफ एफरेंट ब्रेंकियल वेसल्स टू द इफरेंट ब्रेंकियल वेसल्स द ब्लड इज ऑक्सीजनेटेड। तो जैसे ही इसमें क्या होता है, आपके यहाँ ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होती हैं, जैसे ही वाटर इसमें एंटर करता है ब्लड गेट ऑक्सीजनेटेड विद द सर्कुलेटिंग वाटर। कोर्स ऑफ वाटर करंट, द कॉन्स्टेंट बीटिंग ऑफ द सीलिया ऑफ गिल फिलामेंट कॉजेज ए कंटिन्यूस करंट ऑफ वाटर टू एंटर द इनहेलेंट साइफन लाइंग पोस्टीरियरली एंड वेंट्रली फ्रॉम वेयर इट गोज टू द मेंटल कैविटी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो हमने गिल फिलामेंट्स देखे थे उसमें
गिल्स जो देखे थे उसमें फिलामेंट्स प्रेजेंट होते हैं, फ्रंटल सील, फ्रंटल इंटीरियर एंड लेट्रोफ्रंटल, इन इन सीलियाज की वजह से इनमें एक वाटर करंट का मेंटेन होता है। द लेट्रोफ्रंटल सीलिया फॉर्म ए फ्लेक्सिबल कॉम बॉर्डनिंग द ऑस्ट्रिया। दिस कॉम सर्व एज ए फॉर्म ए सीव टू प्रिवेंट द लार्ज पार्टिकल्स फ्रॉम एंटरिंग ऑस्ट्रिया। द करंट ट्रांसपोर्ट नॉट ओनली ऑक्सीजन टू द करटिनिडिया बट ऑल्सो ब्रिंग इन फूड। द आउट गोइंग करंट कैरीज अवे प्रोडक्ट ऑफ एक्सक्रीशन एंड फीसेज इन एडिशन टू द कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ से आपका नाइट्रोजनस वेस्ट का जो नाइट्रोजनस जो वेस्ट होते हैं उसका एक्सक्रीशन भी इसी से होता है, जो फूड अंदर की तरफ आता है बॉडी में वो भी इसी से। तो ये आपके एक्सक्रीटरी करंट आपके फूड करंट एंड वाटर करंट को मेंटेन करती है। यहाँ पे आप देख सकते हो फ्लो किस तरह से है, इन करंट साइफन से होता हुआ मेंटल, देन ये आपके एंटर करता है सुप्राब्रिंकियल चैम्बर और सुप्राब्रिंकियल चैम्बर से एक्स करंट कैनाल के थ्रू वापस बॉडी से बाहर निकलता है। मेंटल इन एडिशन टू द सेल सेक्रेटिंग फंक्शन मेंटल आल्सो हेल्प इन रेस्पिरेशन। तो हमने देखा, हमने जब इसका फर्स्ट वीडियो हमने यूनिया का जब स्टडी किया था जिसमें हमने जनरल एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी को उसमें समझा था, तो हमने वहाँ पे ये देखा था कि मेंटल जो है वो शेल को सिक्रेट करता है, शेल जो इसकी बॉडी के चारों तरफ एक कवरिंग प्रेजेंट होती है। इसके अलावा मेंटल हेल्प ऑल्सो हेल्प्स इन रेस्पिरेशन, इट इज़ रिच सप्लाइड विद द ब्लड वेसल्स एंड इट रिमेन्स इन कॉन्टेक्ट विद वाटर, हैंस गैसेज एक्सचेंज टेक्स प्लेस थ्रू इज थिन वॉल। फिजियोलॉजी ऑफ रेस्पिरेशन ऑफ लैमेलिडेंस में जितने वेन वाटर पासिस थ्रू द वाटर ट्यूब इन गिल्स गैसेज एक्सचेंज टेक्स प्लेस, इन फैक्ट कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द ब्लड इज डिफ्यूज आउट इन द वॉटर एंड डिजॉल्व ऑक्सीजन फ्रॉम वॉटर इज डिफ्यूज इन द ब्लड। दस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बिकम ऑक्सीजनेटेड विच इज कैरिड आउट टू द हार्ट ऑफ हार्ट टू द डिस्ट्रीब्यूशन। तो इस तरह से पूरा आपका रेस्पिरेशन जो है हमने इसको स्टडी किया, रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या होता है, कोर्स ऑफ वाटर सर्कुलेशन क्या है, गैसेज एक्सचेंज किस तरह से होता है, फिजियोलॉजी क्या रहती है गैसेज एक्सचेंज की, मेंटल भी जो है रेस्पिरेशन में किस तरह से हेल्प करता है। दिस ऑल वी हैव डिस्कस्ड सो फार। सो आई होप आपको ये सारे कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हुए होंगे। थैंक यू।